सो आज हमने यहाँ पर इक्विलिब्रियम चैप्टर के अंदर जो हमारे इक्वेशन से क्वेश्चन आते हैं, यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालो, रेट को निकालो, तो उस पार्ट को हम कवर करेंगे और साथ में रेट कांस्टेंट से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बनते हैं उनका हम बेसिक करेंगे। अब होगा क्या, देखो सबसे पहले मैंने एक इक्वेशन लिखी, लाइक बिल्कुल जनरल सी इक्वेशन लिख रही हूँ कि ए मोल्स किसी एक सब्सटेंस के, या इससे नहीं समझ में आता तो हम सिंपल देखेंगे कि मान लिया हाइड्रोजन ने क्लोरीन के साथ में रिएक्ट कराया और क्या बना दिया, HCl बना दिया। अब जो इधर लिखे हुए होते हैं वो अपने रिएक्टेंट होते हैं और इधर वाला क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। अब मैं इसे बैलेंस करूंगी तो यहाँ पर दो मोल्स हैं, यानी दो एटम्स हैं, हाइड्रोजन के मोल तो नहीं है, यहाँ पर एक है, तो यानी हमें इसको बैलेंस करना पड़ेगा। और बैलेंस करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, अब देखो ये रूल होता है सबसे आखिरी में हाइड्रोजन बैलेंस होता है, हाइड्रोजन से पहले ऑक्सीजन और उसके अलावा जो भी प्रेजेंट होते हैं उनको हम सबसे पहले प्रेफरेंस देते हैं बैलेंस करने में। तो यहाँ पे दो क्लोरीन एटम थे, बैलेंस करने के लिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और देखा तो मेरे हाइड्रोजन भी क्या हो गए, बैलेंस हो गए। या तो पेपर वाला इक्वेशन आपको बैलेंस करके देगा और नहीं करके देता तो हमें उसे बैलेंस करना पड़ेगा, पहला रूल। उसके बाद में यहाँ पर अगर आगे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, यानी इसके वन नंबर ऑफ मोल्स थे और इसके भी क्या थे, वन नंबर ऑफ मोल थे, ठीक है, जो भी इनके आगे लिखा हुआ है वो क्या कहलाते हैं, नंबर ऑफ मोल्स कहलाते हैं, ठीक है। अब इसी को जनरली मैंने जब रिप्रेजेंट किया तो हाइड्रोजन को मैंने ए लिख दिया, क्लोरीन को मैंने बी लिख दिया, मान लिया यहाँ पर तो एक ही प्रोडक्ट बन रहा था तो मैंने सी लिख दिया, मान लिया इसके साथ में कुछ और बन रहा होता, मान लिया यहाँ पे ऑक्सीजन गैस बनती तो उसको मैं डी मान लेती, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर क्या बोला कि मान लिया ए के नंबर ऑफ मोल्स ए थे, बी के नंबर ऑफ मोल्स बी थे, सी के नंबर ऑफ मोल्स मैंने सी ले लिए और डी के नंबर ऑफ मोल्स मैंने स्मॉल डी ले लिए। अब ये ए बी सी डी 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है, वो तो डिपेंड करेगा कि आपके नंबर ऑफ मोल्स के हमारे पास में कितने दे रखे हैं। अब अगर इसी से हम आगे की तरफ चलें तो अब मुझे यहाँ पर और क्या दे रखा होगा इस चैप्टर के अंदर, तो हमें दी जाएगी इनकी कंसंट्रेशन। भाई मान लिया आपको क्वेश्चन वाला ये दे दे कि हाइड्रोजन हमने लिए थे 5 मोल, ओके, क्लोरीन हमने ली थी 2 मोल, इस तरीके से इनकी वो कंसंट्रेशन आपको लिख कर देगा, ठीक है, आपको कंसंट्रेशन लिख कर देगा वो। अब यहां पर अगर मैं आगे बात करूं तो इसको हम लिखेंगे कैसे, अब जब भी हम रेट निकालते हैं तो हम इसको कुछ इस तरीके से लिखेंगे। अब मैं लिख रही हूँ बिल्कुल जर्नल इक्वेशन, जैसे कि ए मोल्स ए के थे, इन्होंने रिएक्ट करा बी मोल्स ऑफ बी को, सी मोल्स ऑफ सी बनाए और डी मोल्स ऑफ डी। अब मैं जब यहाँ पर रेट लिखूंगी तो रेट के अंदर हमने पढ़ा था कि रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के और उनके ऊपर उसकी पावर। चलो समझ नहीं आया छोड़ो, तो सिंपल रेट को हम ऐसे लिखेंगे, रेट यहाँ पर एक कांस्टेंट आता है जिसको हम रेट क्या बोलेंगे, हम यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोलेंगे, रेट कांस्टेंट अभी नहीं बोलेंगे, आपके लेवल पे हम इसके को क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब यहाँ पर क्या आएगी हमारी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट क्या है, एक तो सी प्रोडक्ट बन रहा था और दूसरा क्या बन रहा था, डी प्रोडक्ट बन रहा था। नीचे क्या आएंगे, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, एक रिएक्टेंट आपका ए था, दूसरा रिएक्टेंट क्या था आपका, बी था। अब C के कितने नंबर ऑफ मोल्स थे, C, तो जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं वो चले जाते हैं इसकी पावर के अंदर। जैसे D के कितने थे, D, A के नंबर ऑफ मोल्स A थे, B के नंबर ऑफ मोल्स कितने थे, B थे। तो इस तरीके से हम क्या लिखेंगे, जब हमें रेट निकालना होगा तो हम उस इक्वेशन को इस फॉर्म के अंदर लिखेंगे, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, आपके पास में लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम भी बोलते हैं, जब इस तरीके से हम रेट को लिखते हैं ना तो उसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। अब देखो मैंने यहाँ पर एक गड़बड़ करी थी, अगर इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर है तो हमेशा ये एरो किस तरीके से आएगा, डबल साइडेड फॉर्म के अंदर, ठीक है। अब यहां से अगर मैं बात करूं और, तो देखो मान लिया कि ए बी के साथ में रिएक्ट कर आगे की साइड जा रहा है, यानी कि प्रोडक्ट बना रहा है, तो उस टाइम पे क्या होगी, आपकी रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी। अब हम यहाँ पर बोलते हैं कि रिएक्शन फॉरवर्ड कब जाती है, फॉरवर्ड रिएक्शन जब जाती है जब आपका रिएक्टेंट किसके अंदर कन्वर्ट हो जाए, प्रोडक्ट के अंदर। तो जब अब आपको कंफ्यूजन होगी कि भाई हम रेट तो ये लिखते थे, हम लिखते थे कि भाई रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के, बट जब आप लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम के अकॉर्डिंग लिखोगे या फिर आप नॉर्मली आपको कोई क्वेश्चन सॉल्व करना है तो हम उसमें ऊपर प्रोडक्ट की और नीचे रिएक्टेंट की लिखेंगे, ठीक है, कंफ्यूज मत होना इस चीज के अंदर। तो मान लिया कि अब मुझे यहाँ पर निकालना था रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड यानी कि जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल रहा है, तो यहाँ पर आएगा आपका के एफ,
जिसको क्या बोलेंगे हम यहाँ पर। अब देखो एक चीज यहाँ पे ना कंफ्यूजन होती है कि आप ही बोलोगे कि भाई जो हमने क्या पढ़ा था इससे पहले लॉ ऑफ मास एक्शन, उसमें तो हमने बोला था कि जो रेट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यहाँ पर रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन आती थी ऊपर उनके मोल्स आते थे। अब उसके पीछे का लॉजिक अभी समझ में आएगा। मैंने लिखा फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए, मैंने यहाँ पे Kf लिख दिया, यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन। फॉरवर्ड में क्या बनेगा आगे प्रोडक्ट, तो यहाँ पे कंसेंट्रेशन भी किसकी आएगी प्रोडक्ट की, और ऊपर क्या आ जाएंगे उनके नंबर ऑफ मोल्स। अब मान लिया कि रिएक्शन बैकवर्ड जाने लगी यानी प्रोडक्ट रिएक्टेंट में बदलने लगा, तो यहाँ पर क्या आएगा एक कांस्टेंट Kb जिसको हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द बैकवर्ड रिएक्शन। और बैकवर्ड रिएक्शन में प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा तो यहाँ पे कंसेंट्रेशन भी किसकी आएगी प्रोडक्ट की आ जाएगी आपके पास में। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। अब मुझे अभी के कहां से आया, तो ये के आता है आपका जब Kf को हम Kb से डिवाइड कर देते हैं, यानी कि जो आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट था फॉरवर्ड रिएक्शन का उसको मैंने बैकवर्ड रिएक्शन से मैंने डिवाइड कर दिया, तो क्या आ गया मेरा ओनली K, यानी इसको हम जनरली बोलेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ फॉरवर्ड फॉरवर्ड रिएक्शन जा रही होगी बैकवर्ड बैकवर्ड जा रही होगी, दोनों काम इकट्ठे हो रहे थे, इसलिए मुझे क्या करना पड़ा इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करना पड़ा, यानी फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन को जब हम कंबाइन करके लिखते हैं तो हम क्या करते हैं इस फॉरवर्ड वाली इक्वेशन को बैकवर्ड वाली से डिवाइड कर देते हैं, और हमारा क्या बन जाता है ये वाला फॉर्मूला रेट निकालने का, जिसको हम आगे रिएक्शंस के अंदर यानी कि क्वेश्चंस के अंदर हम यूज करेंगे। तो जब क्वेश्चन आए और आपको कुछ भी ना दे रखा हो तो हमें ये वाला फॉर्मूला यूज करना होता है रेट को निकालने के लिए, ठीक है ना यहाँ तक की बात। अच्छा जी, यहाँ पर हमने ये चीज निकाल ली है, तो उसके बाद अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो ये हो गया। अच्छा, फिर हमारे पास में जो ये के आया यानी कि जो रेट कांस्टेंट आया, इसके ऊपर भी कई सारी बातें होती हैं जो हमने थोड़ी सी करी भी थी पहले, अब मैं फिर से बता देती हूँ कि मान लिया कि आपके पास में कोई भी इक्वेशन है, मान लिया ए और बी था, इसने रिएक्ट करके क्या बना दिया सी बना दिया, और इस इक्वेशन के अंदर आपका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो आ रहा था के, ठीक है। अब मान लिया कि इस इक्वेशन को आपने किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, मान लिया मैंने इस इक्वेशन को पूरी की पूरी को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये रेट कांस्टेंट क्या हो जाएगा चेंज होकर, अगर मैं इस इक्वेशन को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करती हूँ तो जो रेट कांस्टेंट है उसके ऊपर क्या हो जाती है उसकी पावर आ जाती है, यानी मैंने 2 से मल्टीप्लाई करा तो रेट कांस्टेंट का क्या हो जाएगा स्क्वायर, 3 से करती तो रेट कांस्टेंट का क्यूब हो जाता। तो ये होता है रेट कांस्टेंट से लेकर पहला नियम। दूसरा दे रखा है कि मान लिया मेरे पास में कोई इक्वेशन है और उसके आगे क्या लगा हुआ था 2 लगा हुआ था, ठीक है, या जरूरी नहीं है कि 2 लगा हुआ हो, अगर मैं इसको सिंपल भी लिखूं, मान लिया इक्वेशन थी इसका रेट कांस्टेंट के था हमारे पास, ठीक है, रेट कांस्टेंट के था। अब अगर मैं इस इक्वेशन को 1/2 से क्या कर देती हूँ डिवाइड कर देती हूँ, तो इस रेट कांस्टेंट का जो नए वाली रिएक्शन आएगी आपकी 1/2 से डिवाइड करने के बाद में उसका क्या हो जाएगा यहाँ पर अंडर रूट हो जाएगा, यानी मल्टीप्लाई करने पे तो उसकी पावर में चला जाता है, डिवाइड करने में उसके रूट में चला जाता है, ठीक है। इसके अलावा और क्या आता है, मान लिया कि मैंने रिएक्शन को रिवर्स कर दिया तो क्या होगा, रिवर्स करने का मतलब क्या है अपने पास में कि जैसे मेरे पास में थर्ड रूल हो गया कि अगर A प्लस में B मिलकर C बना रहा था यहाँ पर, अब मैंने इसको उल्टा कर दिया, इस रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट K था तो मैं रिवर्स कर दिया, मैं चाहती हूँ कि भाई C से A प्लस में B बने, तो इस वाले रिएक्शन का जो रेट कांस्टेंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, वो भी रिवर्स हो जाएगा, यानी रिएक्शन को रिवर्स करते ही रेट कांस्टेंट भी क्या हो जाता है अपना रिवर्स हो जाता है। थर्ड रूल समझ में आ गया। उसके बाद में फोर्थ रूल यहाँ पर ये होता है रेट कांस्टेंट के लिए कि मान लिया कि कोई रिएक्शन है और वो 2 स्टेप के अंदर हो रही है, मान लिया ए प्लस में बी ने मिलाकर सी बना दिया, इस वाली केस के लिए यानी इस वाली इक्वेशन के लिए तो क्या था आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर था। मैं यहाँ पे बहुत बार इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को रेट कांस्टेंट बोल रही हूँ, बट आप जब 12th में जाओगे तो इसको आप रेट कांस्टेंट बोलोगे, 11th में हम इसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। तो अब मान लिया कि यहाँ पर अब ये सी डी के साथ में रिएक्ट करके क्या बना रहा है ई बना रहा है, और इसके लिए तो मान लिया रेट कांस्टेंट K1 था, इसके लिए K2 था, पर मुझे क्या चाहिए, मुझे ओवरऑल रिएक्शन चाहिए कि भाई ए प्लस में बी है यहाँ पर और वो क्या फॉर्म कर रहा है आपके पास में, मान लिया ए प्लस में बी प्लस में डी मिलकर क्या बना रहे ई बना रहे हैं,
तो इसके लिए यानी ये कोई रिएक्शन वाली दो स्टेप के अंदर हो रही है, आपको समझ में नहीं आ रही, दो स्टेप के अंदर हो रही है, बट यहाँ वाले जो चीज है वो यहाँ पर अगर आ गई है तो एक दूसरे से कट जाएंगे और फाइनल प्रोडक्ट आपका इधर बनेगा। तो उस केस के अंदर नेट जो आपको क्या निकालना है, इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट, वो क्या हो जाएगा, दोनों रिएक्शन का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया रेट कॉन्स्टेंट से रिलेटेड पॉइंट्स। उसके बाद में कुछ पॉइंट्स और आते हैं जिनको भी मैं कराऊंगी। ये चीज मैंने क्या कर दी, यहाँ से रफ कर दी। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक दे रखा है आपके सिलेबस के अंदर है यहाँ पे, ये तो हमने कर लिया। ओके, एक केपी और केसी और दे रखा है। अब एक केपी और केसी का क्या चक्कर है, तो मान लिया कि आपके पास में एक केसी है और एक केपी है। केसी होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट कांस्टेंट प्रेशर। ये क्या होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, प्रेशर वाला नीचे है, ये क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट, या फिर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जब हम कंसंट्रेशन की फॉर्म में निकाल रहे हों। कंसंट्रेशन की फॉर्म का मतलब क्या है कि मान लिया ए प्लस में बी ने रिएक्ट करके सी बनाया, इसकी दे रखी है 2 mole per liter कंसंट्रेशन, इसकी 3 mole per liter कंसंट्रेशन। तो हम क्या यूज करते हैं, केसी को, और केपी को कब यूज करते हैं, जब कोई गैस है, तो गैस है तो हम वहां पे क्या यूज करेंगे, पूरी की पूरी यहाँ पे क्या दे रखी होगी आपको, प्रेशर की फॉर्म में क्या दे रखी होंगी, इनकी वैल्यूज दे रखी होंगी। ठीक है, तो उस टाइम पे हम क्या यूज करते हैं, केपी, यानी कि आपको इस तरीके से दे रखा होगा कि मान लिया ए प्लस में बी ने रिएक्ट करके सी बनाया, तो ए का पार्शियल प्रेशर कुछ था, बी का कुछ था, सी का कुछ था, तो पार्शियल प्रेशर दे रखा हो तो हम केपी को यूज करते हैं, और कंसंट्रेशन दे रखी हो तो हम किसको यूज करते हैं, केसी को यूज करते हैं। यहां तक की बात समझ में आ गया। अब इस केपी और केसी के बीच में एक रिलेशन भी होता है, और वो रिलेशन क्या होता है, केपी बराबर होता है केसी, केपी इज इक्वल टू केसी आर टी की पावर डेल्टा एन। ये इक्वेशन अपने अंदर बार बार यूज होनी, मतलब अपने क्वेश्चंस के अंदर यूज होनी है, वो तो हम चलो पुट कर देंगे कि मान लिया कि आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है। अच्छा, एक चीज और, अब मान लिया कि आपको निकालना है इस के को, तो हम इस के को कैसे निकाल लेंगे, वो भी तो चीज हमें समझनी है ना। तो इस के को हम इस तरीके से निकाल लेंगे, के जब हमने निकाला तो ऊपर किसकी कंसंट्रेशन आनी थी, फॉरवर्ड की, नीचे बैकवर्ड की। अब हमने यहाँ पे पढ़ा था कि जो फॉरवर्ड वाली थी उसके लिए ऊपर क्या आना था, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, और बैकवर्ड के लिए किसके आए थे, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। अब मान लिया कि यहाँ पर आपके ए ने बी के साथ में रिएक्ट करा और क्या बना दिया, सी बना दिया, या फिर सी प्लस में डी बना दिया यहाँ पर, और इसके मोल्स ऑफ क्या है, सी है, इसके क्या दे रखे हैं, डी दे रखे हैं, तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, यस, तुम्हें भी क्लियर नहीं हो रहा, तो यहाँ पे ए प्लस बी ने सी प्लस में डी बना दिया, इसके नंबर ऑफ मोल्स डी थे, इसके सी थे, इसके बी थे, इसका क्या था, ए था। तो ऊपर किसकी आएगी यहाँ पे कंसंट्रेशन, हम रिएक्टेंट की पुट करेंगे, और नीचे हम किसकी पुट कर देंगे, यहाँ पर प्रोडक्ट्स की पुट कर देंगे। तो अगर आपको वो बोले कि भैया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है, तो हम क्या पुट कर देंगे, ऊपर कंसंट्रेशन किसकी, प्रोडक्ट की, और नीचे किसकी पुट कर देंगे हम, रिएक्टेंट की। जैसे एक क्वेश्चन करके दिखाती हूँ, फिर ज्यादा अच्छे से क्लियर होएगा, मैं इसको रफ कर रही हूँ। मान लिया इसी वाले क्वेश्चन को ले लेते हैं कि हाइड्रोजन ने क्लोरीन के साथ में रिएक्ट कर 2 mole HCl बना दिए। हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन आपको कितनी दे रखी थी, 3 moles per liter, क्लोरीन की दे रखी थी मान लिया कि 4 moles per liter, और आपके पास में HCl बन रहा है, और मान लिया वो बन रहा है आपका 2 moles per liter। तो अब इसके लिए वो उसने बोला कि आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल के दिखाओ क्या वैल्यू आएगी। तो यहाँ पर रिएक्टेंट, सॉरी, प्रोडक्ट क्या बन रहा है आपका, HCl, कितने नंबर ऑफ मोल्स थे, 2, तो पावर में चला गया। रिएक्टेंट की जगह पे क्या आ जाएगा, H2 और Cl2, दोनों के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 1-1 है। अब HCl की कितनी कंसंट्रेशन है, 2, इसकी पावर 2 हो जाएगी। हाइड्रोजन के कितने हैं, 3, तो मैंने 3 पुट कर दिया यहाँ पे कंसंट्रेशन की जगह पर, यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या है, 1 है। क्लोरीन की जगह पे मैंने क्या पुट कर दिया यहाँ पे, 4। तो हम इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं, जैसे ऊपर आ जाएगा 4, नीचे 3/4, तो यानी इसकी वैल्यू कुछ 1/3 आ जाएगी K की वैल्यू। एक तो हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, बट आप आगे पढ़ोगे तो मैंने सिंपल बता दिया कि वैल्यूज कैसे पुट करनी है। बट असल में इक्विलिब्रियम के अंदर कभी भी ये पूरे 3 और 4 mole यूज नहीं होंगे, इनमें से कुछ हिस्सा यूज होगा, उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। ये सिंपल वैल्यूज पुट करनी समझ में आ गई, ये तो हो गया आपका बिल्कुल बेसिक। ठीक है, अब वो आपको इस चैप्टर के अंदर कैसे उलझाएगा, वो इस तरीके से आपको देगा, अब इस चीज को भी समझ ही लेते हैं। मान लिया इसके आपको कितने दिए थे, 3 mole per liter दी थी, इसके कितने दिए थे, 2 moles दिए थे आपको। ठीक है, या फिर मैं ये मान लूं इसके आपके पास में 1 mole है, इसका भी 1 mole है,
और मुझे नहीं पता कि एक्सेल कितना बना शुरू में, मैंने इक्वेशन जरूर बैलेंस करके यहाँ पर लिख दी है, बट मुझे नहीं बना कि एक में से, मान लिया मैंने ये बोला कि जब टी टाइम जीरो था यानी जब रिएक्शन शुरू हुई थी तो हाइड्रोजन और क्लोरीन तो पूरे एक एक मोल होंगे, कुछ एक्सेल बना ही नहीं होगा जो रिएक्शन शुरू ही नहीं हुई। अब मान लिया कि क्या हो गया यहाँ पे 2 मिनट हो गई, तो 2 मिनट के बाद में कुछ HCl और क्लोरीन बदल, कुछ हाइड्रोजन और क्लोरीन बदल गए होंगे HCl के अंदर, पर पूरे तो नहीं बदले ना, अभी कौन सा पूरी रिएक्शन खत्म हो गई। तो मान लिया कि मैंने कि 2 मिनट के टाइम के ऊपर यहाँ पर क्या हुआ है, इसको आप 2 सेकंड कर लो, 2 सेकंड के टाइम के ऊपर इस एक मोल में से सिर्फ X ही रिएक्ट करा, बाकी का क्या कर गया, बच गया है। यहाँ पे भी एक मोल है तो इसमें से भी कितना रिएक्ट करा होगा, X ही रिएक्ट करा होगा, इसमें से X रिएक्ट कर गया, इसमें भी X रिएक्ट कर गया, बन क्या रहा है, एक HCl ही बन रहा है, कितना बना होगा, X बना होगा, ये क्या बन गया आपका, अगर इसमें से XX घटा है तो इसमें से X बना होगा, ठीक है। यहाँ तक की बात, यहाँ तक की बात समझ में आ गई, ऐसा मत करना कि X और X यहाँ पे 2X कर देना, नहीं, HCl को एक ही चीज तो बनी होगी, इन दोनों के जुड़ने से ही तो वो बनी है, तो एक X ही बनी है जितनी घटी होगी। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यूज को हम पुट करेंगे जिसको हम आगे पढ़ेंगे, बट अभी मैं समझाने के लिए बता रही थी ऐसी वैल्यूज को पुट करना है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो आपका जो नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है यहाँ पर, एक मैं वैल्यू बता रही थी आपको, केपीकेसी वाली हमने बात कर ली थी, उसके अलावा फिर आता है हमारे पास में कुछ वैल्यूज। कुछ वैल्यूज मेरे कहने का मतलब क्या है, मैंने एक क्वेश्चन लिखा यहाँ पर कि हाइड्रोजन ने आयोडीन के साथ में रिएक्ट करा और क्या बना दिया, 2 moles ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड के इन्होंने फॉर्म कर दिए। अब ये भी गैस है, ये भी गैस है, और हाइड्रोजन आयोडाइड भी क्या बनी आपकी, गैस ही बनी। तो जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की स्टेट सेम होती है तो उस कंडीशन के अंदर हम बोलते हैं कि किस टाइप का हमारा इक्विलिब्रियम आ गया है, ये आ गया आपका होमोजीनस इक्विलिब्रियम, ठीक है। यहां तक की बात समझ में आ गई। अब यहां पर अगर मैं बात करूं, ठीक है, अब मान लिया मेरे को कंसेंट्रेशन दे रखी होती तो मैं क्या पुट करती हूं ऊपर, हाइड्रोजन आयोडाइड, इसके नंबर ऑफ मोल्स 2, हाइड्रोजन नीचे पुट करती क्योंकि वो रिएक्टेंट था, और इनके नंबर ऑफ मोल्स क्या आ जाते आपके 1 और 1 आ जाते। अब यहीं पे मुझे प्रेशर के टर्म में लिखना होता तो प्रेशर के टर्म पे मैं यहाँ पे क्या लिखती, प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड, जो क्या होगा, पार्शियल प्रेशर। अब आप सोचोगे कि प्रेशर क्यों नहीं बोल रहे, पार्शियल प्रेशर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि मान लिया आपके पास 2 या 2 से ज्यादा गैसेस प्रेजेंट है एक ही कंटेनर के ऊपर, तो हमेशा हम पार्शियल प्रेशर टर्म को यूज करते हैं। प्रेशर हम सिर्फ जब यूज करते हैं जब किसी कंटेनर के अंदर एक ही गैस हो, बहुत सारी गैसेस ना हो। यहाँ पर नीचे क्या आ जाएगा, प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्रेशर ऑफ आयोडीन, और इसकी पावर क्या है, 1। फिर हम इनकी वैल्यूज को पुट कर देंगे, ठीक है। यहाँ तक की बात समझ में आई। उसके बाद अगर मैं बात करूं, यहाँ पर मैंने एक इक्वेशन और लिखी आपके, मैं हेटरोजीनस की लिखूंगी। मान लिया कि कैल्शियम कार्बोनेट ने रिएक्ट करा और क्या बना दिया यहाँ पे, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2। अब कैल्शियम, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड रहा होगा, कैल्शियम कार्बोनेट भी क्या रहा होगा यहाँ पे, सॉलिड रहा होगा। यहाँ तक की बात ठीक है ना। तो अब इसको क्या बोलेंगे हम, इसको हम बोल देंगे हेटरोजीनस इक्विलिब्रियम। क्या बोल देंगे हम इसको यहाँ पर, हेटरोजीनस इक्विलिब्रियम हम यहाँ पे बोल देंगे। यहाँ तक की बात समझ में आ गई, इसको हम बोल देंगे हेटरोजीनस इक्विलिब्रियम। अब अगर मान लिया आपको क्वेश्चन के अंदर कभी भी दे दिया कि कोई भी प्योर सॉलिड है या फिर कोई भी प्योर लिक्विड है, तो प्योर सॉलिड हो या प्योर लिक्विड हो, इनकी कंसेंट्रेशन या इनकी वैल्यूज हम हमेशा 1 ले लेते हैं। यानी मान लिया कि अगर यहाँ पे कोई भी चीज प्योर है, मान लिया प्योर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन तो खैर गैस है, अगर हम लिक्विड या फिर सॉलिड की बात करें, मान लिया मैंने यहाँ पे कंसेंट्रेशन इसका, जब मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालूंगी तो यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड की कंसेंट्रेशन, यहाँ पे मैं CO2 की कंसेंट्रेशन, नीचे किसकी पुट कर दूंगी मैं, कैल्शियम कार्बोनेट की कंसेंट्रेशन। अब मान लिया कि कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट प्योर थे तो मैं इसकी जगह पे क्या लिख दूंगी, 1 लिख दूंगी, यहाँ पे सिर्फ CO2 बच जाएगा, नीचे भी क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यानी आंसर में सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा आपका, कार्बन डाइऑक्साइड बचेगा। यानी जब भी कोई चीज प्योर दे रखी है तो उसकी वैल्यू को हम यहाँ पे 1 पुट करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। अच्छा जी, ये तो सिंपल दे रखा था इन्होंने। अच्छा, एक चीज और पूछी जाती है यहाँ पर कई बार, KP और KC के ऊपर बारे में, ठीक है, इसको मैं रफ कर दूं कि मैंने अभी एक इक्वेशन बोली थी कि KP बराबर होता है KP is equal to KC RT की पावर डेल्टा n। अब मैंने देखो पहले वाला क्वेश्चन देखो,
हमेशा जो ये डेल्टा एन है ये किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट के बराबर होता है। यहां तक की बात ठीक हो गई। अब देखो प्रोडक्ट और ये मोल्स जो होने चाहिए ना, ये गैस के होने चाहिए, लिक्विड और सॉलिड के कभी नहीं होने चाहिए। यहाँ पे प्रोडक्ट हाइड्रो के अंदर कितने नंबर ऑफ मोल्स थे, दो। रिएक्टेंट के अंदर एक इसका और एक इसका, कितने थे, दो टोटल। तो आंसर कितना आ गया, जीरो। टोटल लिखने हैं यहाँ पर, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। हमेशा क्या लिखनी है, हमें टोटल लिखने होते हैं। तो अब यहाँ पर देखो, अगर यहाँ पे डेल्टा एन की वैल्यू जीरो आ गई और किसी भी चीज की वैल्यू जीरो तो वन के बराबर। तो यानी कि जब यहाँ पर डेल्टा एन की वैल्यू जीरो होगी तो केपी और केसी क्या हो जाएगा, यहाँ पे बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब मैं एक क्वेश्चन और लिखूं जैसे इन्होंने दे रखा है यहाँ पे। सेकेंड क्वेश्चन के अंदर मान लिया नाइट्रोजन 3 moles हाइड्रोजन के साथ में रिएक्ट कर इक्विलिब्रियम के अंदर 2 moles ऑफ अमोनिया बनाती है। अब यहाँ पे भी सारे के सारे क्या है, गैस फॉर्म के अंदर है। तो डेल्टा एन निकालोगे कितने हैं यहाँ पे, प्रोडक्ट के 2 number of moles, रिएक्टेंट के 3 + 1, यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का 2। यानी अगर इस डेल्टा एन की वैल्यू माइनस का 2 आ रही है तो यानी क्या हो जाएगा, ये पूरी इस माइनस की वैल्यू यानी किसी कम वैल्यू को किसी से मल्टीप्लाई करोगे तो नेट आंसर कम। तो यानी इस केस के अंदर केपी क्या हो जाएगा, केसी से छोटा हो जाएगा। मतलब कुल मिला के डेल्टा एन की वैल्यू जीरो होगी तो केपी किसके बराबर हो जाएगा, केसी के। अगर डेल्टा एन की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी तो केपी केसी से बड़ा हो जाएगा। अगर डेल्टा एन की वैल्यू लेस देन 1 होगी तो जो आपके पास में केपी है ये क्या आ जाएगा, लेस देन केसी आ जाएगा। तो ये 3 अपने पास में केसेस हो गए हैं, यहां तक की बात ठीक है। उसके बाद में इससे आगे दे रखा है कि हम कैसे पता लगाएंगे कि आपकी रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी या बैकवर्ड जाएगी। तो मान लिया अगर इस के की वैल्यू क्या है, बहुत ज्यादा हाई है, हाई इन द सेंस दैट कि अगर इसकी वैल्यू 10^+3 से ज्यादा है तो उस केस के अंदर आपके पास में क्या होगा, प्रोडक्ट की अमाउंट बहुत ज्यादा होगी और रिएक्टेंट की अमाउंट क्या होगी, बहुत ज्यादा कम होगी। तो यानी इस केस के अंदर क्या होगा कि प्रोडक्ट की अमाउंट रिएक्टेंट से क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। अगर के की वैल्यू बहुत ही ज्यादा कम है, कम का मतलब क्या है कि 10^-3 से भी कम है, तो अब इस केस के अंदर कहां जाएगी, रिएक्शन आपकी बैकवर्ड जाएगी, क्योंकि जो रिएक्टेंट है वो क्या होगा यहाँ पे इस केस के अंदर, बहुत ज्यादा हो जाएगा आपका प्रोडक्ट के केस में। मतलब कुल मिला के अगर यहाँ पर इस के की वैल्यू 10^-3 से भी कम है तो उस केस के अंदर आपका रिएक्टेंट ज्यादा होगा, प्रोडक्ट क्या बन रहा होगा, ज्यादा बन रहा होगा। ठीक है, अच्छा यहाँ तक कि ये सब तो मैं इक्विलिब्रियम की कंडीशन पे बता रही हूँ। अगर इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू 10^3 से ज्यादा है तो यानी प्रोडक्ट ज्यादा मिलेगा इक्विलिब्रियम पे, रिएक्टेंट कम। अगर 10^-3 से कम आ रही है तो रिएक्टेंट ज्यादा मिलेगा, प्रोडक्ट कम। और अगर इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास, मॉडरेट है, मॉडरेट इन द सेंस कि 10^-3 से लेकर 10^+3 के बीच में है, तो उस केस के अंदर क्या होगा, इक्विलिब्रियम के ऊपर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की अमाउंट क्या होगी, कंपेरेबल होगी, मतलब आसपास ही मिलेगी, ना तो प्रोडक्ट ज्यादा मिलेगा और ना ही क्या मिलेगा हमारे पास में, रिएक्टेंट ज्यादा मिलेगा। ठीक है, अच्छा यहां तक की बात क्लियर होगी हमारे पास। उसके बाद में यहां पर एक क्यों और आता है जिसको हम क्या बोलते हैं, रिएक्शन क्वेश्चन, या उसको हम सेकेंड पार्ट के अंदर कर लेंगे, अभी हम इतना ही कर लेते हैं। ठीक है,